आप मुझे बताइए, इस देश के गरीब को कभी बैंक में जाना है तो सोच सकता था, बैंक के दरवाजे तक जा सकता था? कांग्रेस पार्टी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और कहा था कि गरीबों के लिए बैंक के दरवाजे खोल देंगे। 60 साल उन्होंने सरकार चलाई, 60 साल, लेकिन इस देश के 40% लोग जिन्होंने बैंक का दरवाजा तक नहीं देखा था। और उसके कारण बेचारे को साहूकार के पास जाना पड़ता था, ऊंचे ब्याज से पैसे लेने पड़ते थे, और ये ब्याजखोर लोग इन गरीब का खून चूस लेते थे। ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज लेते हैं कि नहीं लेते भाई? गरीब आदमी को चूसने वाले हैं कि नहीं है? क्या ये पैसा गरीब को बैंक से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कम ब्याज से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये बैंकों पर गरीबों का हक है कि नहीं है? कांग्रेस पार्टी तो बैंकों को अमीरों के लिए खोल दिया, अमीरों के लिए। और कैसे कैसे अमीरों ने बैंकों के पैसे दबाए हैं, अभी मैंने जरा स्क्रू टाइट किए हैं तो उनका पसीना छूट रहा है। जेल के सलाखे दिख रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, कोई बचने वाले नहीं है। मैं बता देता हूं भाइयों, ये पैसे ये बैंकों से जिन्होंने पैसा लूटा है, वो पैसा बैंकों का नहीं, हिंदुस्तान के गरीबों का पैसा है, और वो मैं वापस ला करके रहने वाला। और जिन कांग्रेस सरकारों ने इन बैंकों के माध्यम से इन अमीरों की तिजोरियों को भर दिया है, उनका भी हिसाब चुकता होने वाला है मेरे भाइयों।